अस्सलामु अलैकुम एवरीवन व्यूअर्स, अपने चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर वेलकम करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह लेटेस्ट आने वाली एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, स्कूलों में टीचर्स भर्ती करने के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद स्कूलों में तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा, जिसकी अहम वजह स्कूलों में उसाजा की कमी। 3 सालों से सरकारी स्कूलों में एक भी भर्ती ना की जा सकी, भर्तियां ना हुई तो स्कूल खाली हो जाएंगे। लाहौर समेत सूबा पंजाब में 48,000 सरकारी स्कूलों में उसाजा की खाली असामियों की तादाद 1 लाख से तजावज कर गई। स्टाफ की कमी के बायस उसाजा पर काम का प्रेशर बढ़ने लगा, शॉर्टेज के बायस तलीमी निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर होने लगा। सूबा भर के प्राइमरी स्कूलों में 52,000 उसाजा की असामियां खाली हैं, एलिमेंट्री स्कूलों में 28,000 उसाजा की असामियां खाली हैं, स्कूल सरबराहान और SSTs की 21,000 असामियां खाली हैं। लाहौर के स्कूलों में 9,000 उसाजा फौरी भर्ती करने की अशद ज़रूरत है। इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियंस का कहना था कि 2 साल मजीद भर्तियां ना हुई तो स्कूल खाली हो जाएंगे, जबकि स्कूल एजुकेशन ने बताया कि नई भर्तियों का फैसला हालात को देखते हुए किया जाएगा, खाली असामियों पर मुस्तकिल की बजाय इंटर्निज भर्ती किए जाएंगे। वाज़े रहे सरकारी स्कूलों में खाली असामियाँ पुर करने के लिए महकमा तलीम ने तमाम शहरों के डायरेक्टर स्कूल को खत लिख दिया। प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स की खाली असामियों की तफसील 25 अक्टूबर को जमा करानी थी। वक्त पर तफसील जमा ना कराने पर महकमा तालीम ने बरहमी का इजहार करते हुए तमाम शहरों के डायरेक्टर स्कूल्स को 24 घंटे में तफसीलात जमा कराने की हदायत की थी। खाली असामियों की तफसील हासिल करने के बाद नई भर्तियों का काम शुरू किया जाएगा। मेरिट पास उम्मीदवारों को खाली असामियों पर भर्ती किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की 14 ग्रेड की पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। तो व्यूअर्स, मजीद ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह तमाम अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।